पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होना, स्कैंटी पीरियड्स जिसे हम लोग हमारी भाषा में हाइपोमिनोरिया कहते हैं, क्यों कई बार पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वह काफ़ी कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम होकर कई बार सिर्फ स्पॉटिंग ही रह जाती है, क्यों इस प्रकार के चेंजेस महिलाओं के अंदर आते हैं, यही सब आज हम यहाँ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्या किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो क्या करते हैं हम, यही सब हम आज यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, स्कैंटी पीरियड्स हम कहते किसे हैं, यानी कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो जाना किस चीज़ को कहते हैं। 5 दिन आ रहा था तो अगर आपका, जैसे मानिए शुरू में आपका पीरियड जो है 5-6 दिन आ रहा था, तो अगर सिर्फ एक आधा दिन का फ़र्क है तो उसको हम स्कैंटी पीरियड्स नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, यानी कि पहले 5-6 दिन आता था और अब 2 दिन ही आ रहा है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि पीरियड्स के अंदर जो ब्लीडिंग है वह कम हो गई है, यानी कि जो डेज हैं जितने दिन फ्लो रहता था उसका नंबर अगर सिग्निफिकेंटली कम हो जाए तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग कम हो गई है। बहुत सी महिलाओं का पीरियड का साइकिल कुछ इस तरह का होता है कि शुरुआती 2 महीनों में हैवी फ्लो, 2 दिन के लिए हैवी फ्लो होता है और उसके बाद फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर ऐसा हो कि जिन महिलाओं में शुरू के 2 दिन में फ्लो तो अच्छा हो रहा है और बाद में कम हो गया, लेकिन उनमें शुरू के 2 दिन में भी फ्लो कम हो जाए, यानी कि वो 2 दिन भी पीछे के 2-3 दिन के जैसे ही बिल्कुल लाइट फ्लो की तरह निकले, तो भी हम कहते हैं कि पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग कम हो गई है, विच इज़ सिग्निफिकेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्लो होता ही नहीं है, सिर्फ स्पॉटिंग ही होती रहती है, तब भी हम ये मानते हैं कि ये स्कैंटी फ्लो है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं कंप्लेंट करती है कि पहले तो पीरियड्स के दौरान यूजुअली 3 से 4 पैड्स या टैम्पून्स बदलने की ज़रूरत पड़ती थी, और अब तो मुश्किल से 1 की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, 1 की ही ज़रूरत पड़ रही है, तो भी हम ये कह देते हैं कि हाँ, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड फ्लो है वह सिग्निफिकेंटली कम है और डेफिनेटली हमें इसे इवैल्यूएट करना चाहिए, इसका कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों कम है, और किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वह करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये फ्लो कम होता क्यों है, क्या ऐसे कारण होते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण होता है वह होता है एज। एज का मतलब है जब पीरियड आते हैं और जब पीरियड्स जाते हैं, यानी कि जब पीरियड्स शुरू होते हैं, मेनार्की जब होता है, यानी कि गर्ल्स में, छोटी बच्चियों में जब पीरियड्स शुरू होते हैं, तो जो शुरुआती कुछ पीरियड्स होते हैं वह स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है उस पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग का अमाउंट हो वह सिग्निफिकेंटली कम हो, सिर्फ स्पॉटिंग जितना ही हो, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए और किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत बच्चों में नहीं होती है। तो पीरियड्स के स्टार्टिंग में ये पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना। दूसरी चीज़, जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, यानी कि आपकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है, 45 से 50 के बीच में है, आपके पीरियड्स जाने वाले हैं, और जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं तब भी कई महिलाओं में इस तरह से होता है कि पीरियड्स लेट भी आने लग जाते हैं और फ्लो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो यह भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चिंता की बात नहीं है। जब पीरियड्स आने वाले हैं और जब पीरियड्स जा रहे हैं, दोनों ही एज ग्रुप्स में अंदर ब्लीडिंग कम हो सकती है, सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं, और ये नॉर्मल चीज़ है, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कुछ प्रकार की सोनोग्राफी या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट कारण क्यों पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, कभी कभी आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर किसी का स्ट्रेस लेवल सडनली बहुत बढ़ जाए तो भी पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यूजुअली पेशेंट खुद जानते होते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, स्ट्रेस कम होगा तो ये पीरियड्स भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल की साइड में आ जाएंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। जैसे कई महिलाओं को पीसीओडी हो जाता है, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर हार्मोन्स कुछ इस तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं कि पीरियड लेट लेट भी आने लग जाते हैं और फ्लो भी कम हो जाता है। इसके अंदर और भी कई फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स आने लग जाते हैं, जैसे कि चिन पे, अपर लिप्स पे, ब्रेस्ट पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, सिर से हेयर फॉल होने लग जाता है, मूड चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के चेंजेस पीसीओडी में मिलते हैं और फ्लो भी कम हो जाता है। पीसीओडी के अंदर आपको स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत रहती है, डाइट मॉडिफिकेशन रखना रहता है, जंक फूड का इंटेक कम करना रहता है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 4th जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं। पीसीओडी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरे काफ़ी वीडियोस पीसीओडी के ऊपर हैं, पीसीओडी के टेस्ट, उनके सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट, वो डेडिकेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने स्कैंटी फ्लो के
कारण की तरफ। उसमें होता है कभी कभी कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हैं, बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर लेती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अंडरवेट होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा आपका वज़न कम की साइड में होता है, या जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हैं जिससे कि जो आपकी बॉडी का फैट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, तो भी पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपको अपनी एक्सरसाइज को कम करने की ज़रूरत रहती है, आपको अपना थोड़ा फैट इनटेक को बढ़ाने की ज़रूरत रहती है। आप अपना थोड़ा वेट गेन वापस करेंगी तो आपका फ्लो भी और वापस से रेगुलर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जो कारण होते हैं जिसमें के कारण कि जो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का फ्लो है वो कम हो जाता है, वह रहता है जब आप किसी भी प्रकार के हार्मोन्स पे होती हैं। यानी कि बहुत सी बार महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि प्रेगनेंसी ना होने के लिए जो रेगुलरली 21 दिन वाली दवाइयाँ होती हैं जब वह चल रही होती हैं, या आपने किसी प्रकार का हार्मोनल डिवाइस लगवा रखा है, ऐसे कि मिरेना जैसी चीज़, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी कि बच्चेदानी में लगाया जाने वाला ऐसा डिवाइस जो कि हार्मोन रिलीज करता है वह लगवा रखा है, या प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए किसी प्रकार का इम्प्लांट लगवा रखा है, या फिर आपने कोई इंजेक्शन लगवाया है हार्मोन का ताकि प्रेगनेंसी ना हो, तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं यह भी पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लीडिंग जो होती है, उसको कम कर देती है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनका असर जाता है वैसे ही ब्लीडिंग वापस नॉर्मल हो जाती है। यानी कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, तो जैसे ही आप ये पिल्स लेना बंद कर देंगे वापस से आपका फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि 6 महीना रेगुलर यूज़ करने के बाद आप उसे 1 महीना ज़रूर से बंद कर दीजिए, नहीं तो ये जो फ्लो कम होने के साथ में एकदम शट डाउन होना या बंद हो जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए 6 महीना बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप लगातार ले रही हैं 6 महीने से, तो उसके बाद 1 महीने का ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद वापस से आप शुरू कर सकते हैं। फिर 6 महीना ले लीजिए, 1 महीने का ब्रेक दे दीजिए। तो इस प्रकार की जब आप हार्मोन्स पे होती हैं तब भी आपका फ्लो कम हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि पीरियड्स काफ़ी हद तक आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हार्मोन्स कभी कभी हम बाहर से ले रहे होते हैं, कभी कभी इनबिल्ट बॉडी के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। इनबिल्ट बॉडी में कब चेंज होते हैं? जब प्रेगनेंसी है या आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखिए प्रेगनेंसी में वैसे तो पीरियड आता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन महिला को पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की तरफ रिप्रेजेंट करता है। और कई महिलाओं में क्या होता है, शुरू के 2-3 महीने जिस दिन आपका पीरियड आने वाला होता है उस दिन पीरियड आता है लेकिन फ्लो काफ़ी कम होता है, वो चलता रहता है 2-3 महीने के लिए, तो महिला को ऐसा लगता है कि ये पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग कम हो गई, पर एक्चुअली महिला प्रेग्नेंट होती है। तो इसलिए हम ये भी स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर आपका पीरियड्स के दौरान फ्लो काफ़ी कम आ रहा है तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी है। तो आपका अगर प्रेगनेंसी है तो भी ऐसा हो सकता है। दूसरा, जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, यानी कि डिलीवरी हो गई है, उसके बाद लैक्टेशन चालू है, ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, तो जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाता है। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट बढ़ने के कारण भी जो आपके पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग है उसका अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में घबराइए नहीं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। जब आप दूध पिलाना बच्चे को बंद करेंगी ऑटोमेटिकली फ्लो बढ़ जाएगा, तो और उसके लिए बच्चे को दूध पिलाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कम ब्लीडिंग हो रही है उससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, कंडीशन को ऐसे ही चलने दीजिए। जब बच्चा बड़ा होगा और ब्रेस्ट फीडिंग बंद होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फ्लो बढ़ जाएगा। कभी कभी एक प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर है बच्चेदानी को क्लीन करने का या DNC जैसा प्रोसीजर, उसके बाद भी कभी कभी बच्चेदानी की दीवारें आपस में चिपक जाती हैं, जैसे हम कहते हैं आशामन सिंड्रोम, और उसके कारण भी पीरियड्स का अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम या फिर बिल्कुल बंद जैसा हो सकता है। तो ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जिसके अंदर पीरियड्स के अंदर जो ब्लीडिंग है उसका अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। यूजुअली इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOD या आशामन सिंड्रोम ही ऐसी 2-3 कंडीशंस हैं जिनमें हमें एक्चुअली चिंता की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और होती है, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि आपको पतला होने वाला थायराइड है। देखिए थायराइड वाली प्रॉब्लम्स 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो वो होता है जो आपको इन जनरल कॉमन मिलता है, यानी कि जिसमें मोटे हो जाते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में तो ब्लीडिंग अधिक होती है। लेकिन जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि जो पतला होने वाला थायराइड होता है,
अगर वह आपको है तो भी आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो इसलिए हम थायराइड का टेस्ट भी कराते हैं अगर आपको ब्लीडिंग का अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है तो। एक और चीज़, कई बार महिलाओं को हाइपो होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन और वो दवाई ले रही होती हैं लेकिन दवाई की डोज ज़्यादा ले रही होती हैं, तो डोज ज़्यादा लेने के कारण भी उनकी ब्लीडिंग का अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से दो तीन ही कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें चिंता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या आशमैन सिंड्रोम है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसका एक्चुअल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ऐसा बहुत ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगी, आप बहुत स्ट्रेस नहीं लेंगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा करेंगी, जंक फूड अवॉइड करेंगी, हरी सब्जियां फ्रूट्स डाइट में ज़्यादा खाएंगी, तो आपके हार्मोन्स इन जनरल बैलेंस शेप में रहेंगे और ब्लीडिंग का अमाउंट नॉर्मल रहेगा। अगर आपको इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।